ये जवानों की जायज मांगों के लिए और जो छोटे रैंक के सैनिक हैं सेना में 97% जवान जीशु रैंक ये उन्हीं का धरना, इस धरने में जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनका प्रतिबंध है और इसका नेतृत्व तो भी छोटे रैंक के सैनिक कर रहे हैं। आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाल के लिए यहाँ पे बैठे हुए सैनिकों को पेंशन नहीं दी जा रही है, उससे क्या सब साल हो गए इसमें बहुत सारी चीजें जो मिलिट्री लॉ है अंग्रेजों के जमे 1911 की तो उन्हीं के अनुसार ये नब्बे पेंशन में फर्क करता है कि जो जवान अगर वो दुश्मन की गोली से अलग नहीं है और उसकी आंखें चली गई है हाथ पैर कट गया तो उसको बर्बाद 18,000 रुपये और वहीं पर किसी रिटायर्ड अधिकारी को गोली लगी तो उसको पर मंथ 2,54,000 रुपये मिलता है। जब शरीर भगवान ने एक दिया है तो मेडिकल भत्ता अलग अलग क्यों है, मेडिकल पेंशन अलग अलग क्यों है। इसी तरह से वन रैंक और पेंशन है, वो वन रैंक और पेंशन दी केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने दी, वो वन रैंक और पेंशन थी जवानों की जो छोटे रैंक के सैनिकों की, क्योंकि वह कम उम्र में रिटायरमेंट कर दिए जाते हैं 35 और 45 की उम्र के बीच में और सेना को नौजवान रखना है तो वन रैंक वन पेंशन थी उनके लिए, पर वन रैंक वन पेंशन चली गई 54 से 60 साल के जो बुजुर्ग जो रिटायर्ड सैनिक है उनके लिए, जो ऑफिसर कहते हैं जिनको आप जानते हुए कर्नल जनरल हमने टीवी में देखे हुए, वन रैंक वन पेंशन चली गई सारी उनके लिए और जो छोटे रैंक के सैनिकों को उनको कुछ भी नहीं मिला। यानी कि सैनिकों को दोहरी मार पड़ी है, एक तरफ से उनका पेंशन तो मिलता था पहले ही, फिर उसके बाद जो वन रैंक वन पेंशन आई जय जवान जय किसान वो वन रैंक में वन पेंशन ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन वो मिली ही नहीं जवान वो ऑफिसर लेके भागे 1,750 करोड़ फर्स्ट में दिए और जो सेकंड रिवीजन अभी 20 जनवरी को करने की घोषणा की उसमें 23,700 करोड़ प्लस उसमें और रुपये बढ़ाते हुए 2,800 करोड़ का बजट 2,500 करोड़ का बजट हो गया। पर ये था तो जवानों के लिए जैसे आप इसको समझने की कोशिश करो, ये कमेटी बड़ी शहरी कमेटी उसने सिफारिश करी वन रैंक और पेंशन की, वो क्या कहती है कि कम उम्र में रिटायरमेंट करते हैं ये पेंशन उनको मिलनी चाहिए। पर दूसरी तरफ वो कमेटी का दूसरा प्रश्न है कि पैरामिलिट्री को हम नहीं देंगे क्योंकि पैरामिलिट्री का जो सैनिक है वो 60 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं, इसलिए पैरामिलिट्री को नहीं देंगे। तो जो सेना के जो रिटायर्ड अधिकारी है उनका किसका आंसर दिया है सेना ने, मिलिट्री सर्विस पे है जो जवान देश की पहले पिछली बढ़ा है उसको तो मिलती है, जो पीछे रहते हैं जो कमरों में रहते हैं उनको मिलती है 15,500 रुपये। जाता है कि भारत में अमृतकाल चल रहा है, 2006 में जो होते हैं सैनिकों को लगातार बॉर्डरों पे मेरे डर हुआ डिसेबिलिटी पेंशन भी मिल रही है मुझे, देश में सुरक्षित महसूस कर रही है। उसके बाद जो विसंगतियां आई हैं जी मैडम, इसकी एक पुरानी बीमारी 75 सालों से हम जो सैनिक हैं हम हैं एक तो हमको मिलते हैं सर्विस के दौरान सैनिक जो जवान है और कुछ अलाउंस मिलते हैं छोटे रैंक के सैनिक है तो जो रिटायर्ड अधिकारी है वो है आईपीएस आईएएस अधिकारी 75 सालों से उन्होंने देखा है हमारी कोई यूनियन थी नहीं पहले और जबकि हम 28 लाख तादाद कर रहे हैं और उन्होंने हमारी भीड़ को जैसे आप समझने की कोशिश करो एक 15 सैनिक उस समय के मोदी जी को उसमें बुलाया था और उसी रैली से माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री का दावेदार भी घोषित किया। 5 लाख सैनिक जो थे ना वो तो नीचे दरी कुर्सी बिछा रहे थे और जो ऊपर बैठे थे वो रिटायर्ड अधिकारी बैठे थे वो हमारी वन रैंक और पेंशन भी ले गई और ऊपर से वो कोई राज्यपाल बन गया कोई सांसद बन गया कोई कुछ बन गया। तो सरकार क्या सोचती है कि जो हमारी जो सैनिकों की जो संख्या बल है इसका जो प्रतिनिधित्व है वो रिटायर्ड अधिकारी करते हैं और ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो सैनिक करें। आप ये मत सोचो यहाँ तादाद कम है, ये तादाद बात नहीं है, हमारे को यहाँ प्रदेश में 25 साल हमने यहाँ 20 फरवरी को हजारों की संख्या में सैनिक कार्य किए और 3 अप्रैल को पूरे देश भर में मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक सारे सैनिक सड़कों पर थे, कोई लाख सैनिक। तो उस समय ये देखा था सैनिक ने कितनी बड़ी एक संख्या में उतरा
ऐसा नहीं है कि सैनिक इन 15-20 आदमियों को छोड़ देगी। आपने बताया कि सरकार उठा दे, सरकार को ये मालूम की बड़ी अभी 30 अप्रैल को हमने बहुत बड़ी देश में सैनिकों को यहाँ से भेजा गया अपनी अपनी जगह पे। आप कह रहे हैं 30 अप्रैल को पूरे देश भर में लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को मानपत्र दिया जाए। अगर कोई सांसद करता है नहीं मिलता है तो इलेक्शन वैधानिक अधिकार है कि उनका मतलब कह रहे हैं चंद कदमों की दूरी पर जो है एक मार्ग पर चलना है सबको। प्रधानमंत्री आवास है और कभी भी अपना मूल्यांकन कम करके नहीं आंकना है। यहाँ पे यहीं से हम कम नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर मैं तो महीने से अधिक हो गया 2006 में प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री भी सांसद है बड़े प्रोग्राम हमारे इन्हीं के लिए। आपको बताया ना कि मांग क्यों नहीं सुनी जा रही। सरकार ये देख रही है कि नेतृत्व कर सकते नहीं कर सकते। हमने नेतृत्व कर दिया 70 को फिर करेंगे उसके बाद में बहुत बड़ी पूरे देश के सैनिक के लिए आएगी। क्या होगी रामलीला ग्राउंड की होगी या संसद पूरी होगी वो अगर बड़ी कमेटी बैठी पूरी की पूरी यहाँ पे आएगी। अगर सरकार आप लोग की मांग और कंटिन्यू जब से 20 अप्रैल के बाद में मीटिंग होनी है यहाँ 7 मई के बाद में तमिलनाडु उसके बाद में या तो रामलीला ग्राउंड की कोई रैली होगी या फिर कोई पार्लियामेंट लगे हुए उसके बाद में बड़ी कुछ देख लीजिए। ये लोग कह रहे हैं कि 30 अप्रैल को ये लोग बड़ी बैठक करेंगे उसके बाद ये लोग मीटिंग करेंगे सरकार को चुनौती भी देंगे क्योंकि पूरे भारत के सैनिक एकजुट होने वाले हैं। जब तक आप सभी पढ़े लिखे हैं समझदार हैं देश के जागरूक इंसान हैं और अपना मूल्यांकन कभी भी कम करके ना आंके खड़े रहते हैं डटे रहते हैं तब बहुत अच्छे हैं अच्छे तरीके से आगे बढ़े। इस खबर से आपकी क्या राय है बहुत बहुत धन्यवाद।